अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हाजिर हूँ जीनियस फ्रेंड की जानिब से। शुरू करेंगे हम आज का व्लॉग एक अच्छी बात से। फिर करेंगे हम अपने छोटे छोटे स्कूल के बच्चों से बातचीत के भाई उनकी ईद कैसे गुजरी, और भाई आप लोगों की ईद कैसे गुजरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी ईद कैसे गुजरी और आप लोगों की भाई कितनी ईदी जमा हुई और आप लोगों ने कितनी कितनी ईदी दी। ये तो करेंगे हम अपने बच्चों से बात के उनके पास कितनी ईदी जमा हुई है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़ा रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो भाई कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया, हानिया न्यू स्टूडेंट हैं आप जी? अच्छा जी, मुझे ये बताइए किस क्लास में आई हैं आप? क्लास वन में। अच्छा जी, तो भाई कैसा लग रहा है आपका जीनियस स्टूडेंट अकेडमी में आकर? अच्छा लग रहा है। काम किया आपने ज़बरदस्त भाई। काउंटिंग कर रही हैं आप? अच्छी राइटिंग है आपकी, गुड। अच्छा जी, मुझे ये बताइए ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। कितनी ईदी जमा हुई आपके पास? कितनी जमा हुई? 1,000, 2,000, 500 भाई। इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है सबकी ईदी कम जमा हुई, क्यों भाई कहीं गए नहीं क्या? गई थी नानी क्या गई, दादी क्या गई? दादा क्या गई थी? दादी क्या गई थी? अच्छा, दादी दादा का घर एक ही होता है, वहाँ फुप्पो थी, फुप्पो चाचू ताया थे वहाँ पे सब। इंजॉय किया? नानी नहीं थी। तो नानी तो अपने घर में होंगी ना भाई, है ना भाई? नानी का ओह सो सैड। चलिए उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। आप भी बोलिए आमीन। आमीन आमीन। अच्छा जी, मुझे बताओ अब क्या करोगी सीधी का? मम्मा को दे दोगी या फिर खर्च करोगी? मम्मा को दे दोगी। अच्छी बात है भाई, मम्मा को दे दीजिएगा, मम्मा आप ही के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगी, है ना भाई? अच्छा जी, पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छा जी, सही। मम्मा को जी। तो भैया आपको यहाँ देना था गैप, आपने नहीं दिया जी। भाई इनकी मिसरप कर रही है इन्हें अभी, ये लोग न्यूली केजी वन क्लास में आए नर्सरी से, तो भाई अभी इनको तो टाइम लगेगा मैनेज करने में। इनके मिस को भी बहुत इनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग हैं बहुत छोटे बच्चे। देखते हैं भाई कैसे काम कर रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे। जी तो भाई आपने कर दी है मिस्टेक, 48 के बाद क्या आएगा? 49। क्या आएगा? 49। इधर 4 आएगा, इसको रब कीजिए, एंड यहाँ पर 20 आएगा, 2 पहले 0 बाद में।
ठीक है, चलिए तो भाई साथ साथ इनकी राइटिंग भी देखते जाते हैं और देखते जाते हैं बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी आए हैं क्लास के जी वन में ये लोग। चलिए भाई इनकी राइटिंग चेक करते हैं। तो भाई आपने बनाया है सिक्स गलत, ये दोनों सिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, बट ये और ये सिक्स अच्छा नहीं है। ठीक है, आपने उल्टा बना दिया, इसको रब कीजिए एंड राइट कीजिए। ठीक है, बताइए कि ईद कैसी गुजरी आपकी? अच्छी गुजरी। अच्छा, कितनी ईदी जमा हुई? 500 भाई खैरियत है, सबके पास ईदी कम जमा हुई है। क्यों ईदी कम जमा हुई है? दी नहीं किया, कहीं गए नहीं आप लोग? गए थे। अच्छा जी, नमाज पढ़ने गए थे। और अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक हो? ईद कैसी गुजरी भैया आपकी? अच्छी गुजरी। ईदी जमा की? जी। कितनी जमा हुई? 200 रुपये। कितने हुए बताओ? 200 रुपये बस, इतनी सी? या मम्मा ने ले ली? यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, मम्मा ने ले लिए। फिर खाली है? रखे हुए। क्या करोगे ईदी का? चीज़ खाओगे? हैं। अच्छा, स्कूल आकर कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी भाई, कैसा लग रहा है स्कूल आकर? अच्छा लग रहा है। बारिश एंजॉय की थी? कल बारिश हुई थी, मज़ा आया बारिश में? नहाए थे? नहाया तो नहीं था, देखी थी बस। देखी थी, क्यों नहीं नहाए? मैं सुबह थोड़ी देर से उठा था। जबरदस्त। हाँ भाई, छुट्टियाँ हैं तो भाई सब देर से उठेंगे, है ना भाई? अच्छा जी भाई, क्या नाम है आपका? शामीर। जी भाई शामीर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताइए, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त, वेरी एनर्जेटिक। क्या नाम है आपका? शामीर। शामीर, ये बताइए कितनी ईदी जमा हुई है भैया आपके पास? 2000। वेल डन, लाइए दीजिए हमें भी ईदी। घर पे हमें तो आप लोगों ने विश भी नहीं किया, ईद मुबारक भी नहीं कहा। क्यों भाई, क्या हुआ अलीदान? क्या ईदी दे रहे हो? है भाई, दिखाओ भाई, अलीदान ने ईदी के पैसे निकाले? नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई, हम तो मजाक कर रहे हैं। अलीदान आपका बहुत शुक्रिया, देखो कितना दिल वाला है अलीदान। अलीदान ईदी देने के लिए निकाले थे ना पैसे? नहीं चाहिए भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी शामीर, ये बताओ स्कूल आके कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है जी। तो भाई व्यूवर्स, आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे स्कूल में आज बच्चे बहुत कम है, क्योंकि भाई बारिश का भी मौसम है। इंजॉय कर रहे होंगे बच्चे, अभी ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई है तो आप वो सोच रहे होंगे कि बच्चे नहीं आएंगे, तो भाई बच्चे आए या ना आए, हमने पढ़ाई करानी है और हम कराते रहेंगे। ठीक है भाई, जो नहीं आ रहा वो अपना लॉस कर रहा है। ठीक है शामीर, तो आप बताइए बच्चों को कि आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, आप लोग काम कर रहे हैं? अच्छा जी, तो मैं क्या पूछ रही थी आपसे कि हाँ भाई बच्चों को बताइए कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है? जी हो रही है ना। काम किया आपने अभी सुबह से? जी, डायरी भी जा रही है? जो बच्चे नहीं आ रहे वो अपना लॉस कर रहे हैं जी, क्योंकि रीडिंग तो आपको मिस ही कराएंगी और जब आप लोग आएंगे तो रीडिंग तो होगी नहीं जी, कि फिर पिछला काम पे चला जाएगा वो सारा का सारा काम। तो भाई क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को, क्या स्कूल आइए और अपना काम मुकम्मल कीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट तो हुए हुए टाइम हो गया, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई हुई हैं, फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई थी, हमारा कंटिन्यूसली चल रहा था। अच्छा जी, क्या करोगे ईदी का? मुझे दोगे ईदी? जी दे रही हूँ, लेकिन अभी घर पे।
अरे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया भैया आपका, अलीदा क्या नाम है, शामिर, बहुत अच्छा लगा आपसे और आपसे बात करके। आप लोगों को जी तो व्यूवर्स व्लॉग करते हैं एंड कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ। हमारे साथ जुड़ा रहेगा और अपना ख्याल रखिएगा एंड जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऑनलाइन जीनियस को और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले व्लॉग्स आपको बआसानी मिल जाएँ। अल्लाह हाफिज़। डायरी टाइम, टुडे इज़ डेट 15 अप्रैल 2024, जीनियस स्टूडेंट अकेडमी, क्लास नर्सरी टू मैट्रिक, क्लास नर्सरी, बुक्स उर्दू 2 पेज नंबर 11, मैथ 2 पेज नंबर 8, इंग्लिश 2 पेज नंबर 7। नाजरा पहला कलमा याद करें बिमा तर्जुमा, नाजरे में तर्जुमा याद करना है और बाकी बुक्स में काम करना है। क्लास KG 1, इंग्लिश डू होमवर्क इन बुक पेज नंबर 13, उर्दू डू होमवर्क इन बुक पेज नंबर 11, मैथ डू होमवर्क इन कॉपी, इस्लामिक लर्न क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1। क्लास KG 2, बुक्स इंग्लिश डू होमवर्क पेज नंबर 8, मैथ डू होमवर्क पेज नंबर 7, उर्दू डू होमवर्क पेज नंबर 6। इन तीनों बुक्स में काम करना है और पेज नंबर मेंशन है। क्लास 1, इंग्लिश डू रीडिंग एंड 1 पेज राइटिंग, उर्दू में भी डू रीडिंग एंड 1 पेज राइटिंग, मैथ डू होमवर्क इन कॉपी, मैथ में काम करना है। क्लास 2, उर्दू रीडिंग चैप्टर 1, इस्लाम में डू रीडिंग एंड 1 पेज राइटिंग चैप्टर 1, मैथ लर्न टेबल ऑफ 11 एंड 12, टेबल याद करना है 11 और 12 का, एंड उर्दू इस्लाम में राइटिंग एंड रीडिंग करनी है। क्लास 3, इंग्लिश रीड चैप्टर 1, उर्दू रीड चैप्टर 1, साइंस रीड चैप्टर नंबर 1, तीनों बुक्स की रीडिंग करनी है चैप्टर 1 की। क्लास 4, ऑल कॉपीज मेक अ टाइटल पेज एंड 1 पेज राइटिंग। क्लास 5, मैथ लर्न टेबल ऑफ 2 एंड 10, उर्दू रीडिंग चैप्टर 1, इंग्लिश मेक अ टाइटल पेज एंड 1 पेज राइटिंग चैप्टर 1। क्लास 6, इंग्लिश मेक अ टाइटल पेज चैप्टर 1, मैथ लर्न टेबल ऑफ 14, उर्दू मेक अ टाइटल पेज चैप्टर 1, एसएसटी मेक अ टाइटल पेज एंड 1 पेज राइटिंग। सब में चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, टाइटल्स बनाने हैं और मैथ में टेबल याद करना है 14 का। क्लास 7, ऑल कॉपीज मेक अ टाइटल पेज एंड 1 पेज राइटिंग। क्लास 8, इंग्लिश लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर 1, कंप्यूटर रीड चैप्टर नंबर 1, इस्लामियत हदीस नंबर 1 याद करनी है। क्लास 9, इंग्लिश रीड चैप्टर 1, कंप्यूटर मेक अ टाइटल पेज एंड चैप्टर 1। मैट्रिक क्लास की कोई डायरी नहीं है क्योंकि मैट्रिक क्लासेस ऑफ है।